So I'm going to tell you guys one technique which is going to work for sure for you, and you will get to know whether a brand is genuine or fake. Hi guys, welcome back to my channel. It's me, Samreen. So today I'm going to talk about Instagram brand collaboration scam that is going on currently every single day with so many different people. And to be honest, it is really risky. You might not just lose your Instagram account, but also your personal information, a lot of other things, and then you might regret later on. So now I'm going to share the entire instance with you guys along with screenshots so that you all are well informed in advance and you all don't fall in this trap. So come, let's just get started. So let's start from the scratch how everything started. So I got a random text from a person saying that there's so and so brand who would love to collaborate with you. We find that you're a perfect match and we would like to work with you and things like that. I'm gonna add a screenshot over here so that you all can see kis tarah ka message hota hai. Now aise type ke message to pehle bhi aate the, and maine iske upar already ek acha sa detail video banaya tha which you guys found really helpful. In case you guys wanna watch, I'll add it over here. It's really useful, you should watch it. But now abhi na thoda sa upgrade ho chuka hai sab kuch. So ab they have got little bit एक्स्ट्रा स्मार्ट. पहले जो मैसेज होते थे ना वो बहुत ही फॉर्मल होते थे और बहुत ही अच्छे से आप आइडेंटिफाई कर सकते थे. अभी वो लोग थोड़ा सा स्मार्ट हो गए. अभी के जो टेक्स्ट ना काफी कस्टमाइज्ड होते हैं काफी हद तक. सो आपको ऐसा लगेगा कि इट इज ओनली फॉर यू, बट इट इज नॉट. स्पेशली अगर आपको कहता है कोई डीएम दिस अकाउंट, तो फिर वो डायरेक्ट ब्रांड क्यों आपको डीएम नहीं करता, वो लोग क्यों करते हैं, वो भी फेक अकाउंट से क्यों, ऐसा नहीं होता. सो अगर ऐसे टाइप के मैसेजेस अगर आपको आ रहे हैं, सो बी अलर्ट. सो नाउ व्हाट, आगे क्या करें. तो जहाँ से आपको मैसेज आता है वो आईडी एक फेक आईडी होगी. फेक आईडी कैसे, उसका कोई पिक्चर नहीं होगा, प्रोफाइल पिक्चर नहीं होगा, कोई पोस्ट नहीं होगा, फॉलोअर्स फॉलोइंग कुछ नहीं होंगे और कुछ अजीब सा यूजर नेम होगा इस तरह से. एंड जिस ब्रांड को वो लोग ने आपको टेक्स्ट करने को कहा है वो ब्रांड के कुछ 500K समथिंग फॉलोअर्स होंगे. सो आपको लगेगा ओके इट्स अ रियल ब्रांड दिस दैट, बट फॉलोअर्स फेक भी हो सकते हैं, बॉट भी हो सकते हैं. अगर आप उनके प्रोफाइल पे जाओगे, फीड पे जाओगे, तो आपको कोई भी ब्लॉगर्स नहीं दिखेगा जिनके साथ उन लोगों ने प्रीवियसली वर्क किया है. और अगर बाई एनी चांस दिख भी गए कुछ लोग, तो वो नॉर्मल फॉरेनर्स होंगे, नॉट इवन सेलिब्रिटीज और फेमस वंस. और ऐसे तो जिन लोगों ने वो स्कैम किया है वो लोग खुद भी प्रोडक्ट को हाथ में पकड़ के पिक्चर्स क्लिक करके डाल सकते हैं. सो यू कैन नॉट आइडेंटिफाई वेदर द अकाउंट इज फेक और रियल और व्हाटसोएवर. स्पेशली आप ये चीज नोट करो, इंडियन ब्लॉगर्स है या नहीं उस पेज पे, दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो नाउ वट हैपेंड नेक्स्ट. सो ये वो ब्रांड था जहाँ पे उस फेक आईडी ने मुझे टेक्स्ट करने को कहा था फॉर कोलैबोरेशन. आई ऑलवेज इग्नोर दिस काइंड ऑफ मैसेजेस बिकॉज मुझे पता होता है ये फेक है. बट टुडे आई वांटेड टू मेक दिस वीडियो, आई वांटेड टू शेयर एवरीथिंग विद यू गाइस इन डिटेल. इसलिए मैंने रिस्पॉन्ड किया एंड देन आई टेक्स्टेड देम दैट हाई आई वुड लाइक टू कोलैबोरेट. फिर कुछ टाइम बाद मुझे उनका रिस्पॉन्स आया जो कि ये मैसेज था. इसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई दैट येस वी वुड लव टू कोलैबोरेट विद यू, यू आर सो परफेक्ट फॉर अस दिस दैट. एंड इन शॉर्ट आगे क्या होगा ये लिखा था कि यू विल हैव टू परचेज वन प्रोडक्ट विच इज अराउंड ₹50, उसके बदले हम आपको बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट सेंड करेंगे जो कुछ आस पास $75-85 के होंगे. एंड इसके अलावा वी ऑल्सो गोइंग टू पे यू फॉर द पिक्चर्स यू पोस्ट. एवरी पिक्चर दैट यू पोस्ट फॉर आर प्रोडक्ट वी आर गोइंग टू पे यू इन डॉलर्स, वी आर गोइंग टू टेक यू टू अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल ट्रिप्स, वी आर गोइंग टू कीप यू एज अ ब्रांड एम्बेसडर एंड लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट. एंड देन दे हैड सेंट मी अ लिंक एंड आस्क मी टू विजिट दैट लिंक टू प्रोसीड थिंग्स फर्दर. नाउ कम्स द फिशी पार्ट. वो लिंक ना डायरेक्टली ओपन नहीं हो रही थी, तो आई हैड टू कॉपी द लिंक एंड देन हैड टू पेस्ट इट ऑन माय इग्निटो टैब एंड तब जाके वो हुई. उसके बाद ना द फिशी पार्ट, आई थॉट दैट आई एम गोना स्क्रीनशॉट एवरीथिंग सो दैट आई कैन ऐड इट ओवर हियर एंड शो यू गाइस, बट कुछ भी स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा था. यूजुअली दूसरी जो वेबसाइट्स होती है Amazon, Flipkart, उस पर इजिली स्क्रीनशॉट हो जाता है, बट इस पर कुछ भी स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा था. इट वॉज लाइक प्राइवेसी इशूज, कॉपीराइट इशूज, यू कैन नॉट टेक स्क्रीनशॉट्स, प्राइवेसी पॉलिसी एंड थिंग्स लाइक दैट. तो स्क्रीनशॉट नहीं हुआ. फिर आई थॉट दैट ठीक है, आई एम गोना यूज एक्सटर्नल ऐप टू रिकॉर्ड द एंटायर थिंग. दैट आई ट्राइड, वो भी नहीं हुआ. रिकॉर्ड हुआ बट पूरा ब्लैंक आया, ब्लैक स्क्रीन आई, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ. And this itself was really fishy and risky. I myself was unsure whether I should take things forward or just let it be. But then I was like, if I just chuck it, then how will I let you know guys in detail ki exactly aage kya hota hai, and then how will you be aware, and it's my responsibility to make you guys aware about it because I don't want you guys to fall in any kind of trap. I know kitna problem hota hai, account to jata hai, paise to jate hai, address jata hai, personal information jata hai, sab kuch jata hai. So please don't do it, don't visit any of these links. I have experimented for you guys, so aap log safe raho. फिर वो लिंक पर विजिट करने के बाद ऐसा लिख के आया कि कॉन्ग्रेट्स यू हैव बीन सिलेक्टेड. एक्चुअली वांटेड टू स्क्रीनशॉट एवरीथिंग फॉर यू गाइस बट नहीं हो रहा था. आई ट्राई माय बेस्ट. आई नो अगर दूसरा फोन होता तो मैं रिकॉर्ड कर सकती थी, बट वो टाइम पे दूसरा फोन अवेलेबल नहीं था बिकॉज घर पे कोई नहीं था. तो आई हैड टू मैनेज लाइक दैट ओनली एंड आई कुडंट डू. एंड फिर पूरा एक्सपेरिमेंट वापस करके स्क्रीनशॉट लेने का मुझे मतलब नहीं लगा, इसलिए मैंने नहीं किया. बट डोंट वरी, आई एम गोना टेल एवरीथिंग इन डिटेल टू यू गाइस, सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रॉम माई एंड.
एंड देन वहां पे नेक्स्ट बटन थी जहां पे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली कार्ट ओपन होगा. एंड कार्ट में ऐसा था कि यू विल हैव टू पे $219 टू बी एलिजिबल फॉर दिस एंटायर प्रोग्राम, दिस एंटायर कोलैबोरेशन और व्हाटएवर शिट दे वांट टू कॉल इट. $219 व्हिच इज अराउंड 16,206 रुपीज इन इंडियन करेंसी व्हिच इज सच अ बिग अमाउंट. एंड इसके बाद आप एलिजिबल होगे. जस्ट इमेजिन दिस मच अमाउंट. Is it worth it? फिर इसके बाद मैंने टैब वगैरह सब कुछ क्लोज कर दिया, इमीजिएटली हिस्ट्री क्लियर कर दी एंड सब कुछ बंद कर दिया. नाउ कम्स द क्वेश्चन, अगर आपने पे कर दिया तो क्या होगा? सी यहाँ पे 16,000 था विच इज अ रियली बिग अमाउंट, बट अगर $50 होता है विच इज ऑल्सो नॉट स्मॉल, हाँ $50 भी बहुत होता है. सो अगर आपने उतना पे कर दिया तो आगे क्या होगा? वॉट आर दे गोना डू? ए, दे आर नॉट गोइंग टू रिप्लाई, दे आर नॉट गोना रिवर्ट यू बैक. बी, कोई अश्योरिटी नहीं है वो आपको प्रोडक्ट देंगे भी या नहीं देंगे. अगर नहीं दिया तो आप क्या कर लोगे, क्या एक्शन लोगे? कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं था, इंस्टाग्राम के मैसेजेस थे जो अनसेंड होते हैं एंड आप कुछ नहीं कर पाओगे. अगर आपने स्क्रीनशॉट ले भी लिया होगा टू बी ऑन अ सेफर साइड, बट स्क्रीनशॉट लेके आप कहाँ जाओगे, किसके पास जाओगे? एंड इवन इफ यू गो, व्हाट्स द गारंटी दैट यू विल गेट योर मनी बैक? बिकॉज दीज अकाउंट्स आर नॉट रियल, दे आर फेक. कोई गारंटी नहीं आपको आपके पैसे वापस मिलेंगे या फिर प्रोडक्ट मिलेगा या फिर आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा या इंटरनेशनल ट्रिप्स पर लेकर जाया जाएगा. इसकी कोई गारंटी नहीं है. ये सब सिर्फ वो लोग कहते हैं कहने के लिए. एंड इसके बाद वो लोग ये करेंगे कि वो लोग अपना यूजर नेम चेंज करेंगे या तो, या फिर वो लोग आपको ब्लॉक करेंगे या फिर इग्नोर करेंगे या फिर रिप्लाई नहीं करेंगे. These are the things that they are going to do once you pay the money. Now you guys might be wondering ki kaise pata kare whether an international brand is real or fake. So I'm going to tell you guys one technique which is going to work for sure for you and you will get to know whether a brand is genuine or fake. So aapko karna kya hai? Just ask any of your random friend jo blogger nahi hai उस ब्रांड को टेक्स्ट करने के लिए. इफ यू डोंट हैव एनी सच फ्रेंड, खुद के फ्रेंड बन जाओ, एक नॉर्मल आईडी बना लो, उस आईडी से टेक्स्ट करो एंड सी क्या रिस्पॉन्स आता है. जस्ट टेक्स्ट द ब्रांड दैट यस हाई आई वुड लाइक टू कोलैबोरेट विद यू एंड सी क्या रिस्पॉन्स आता है. अगर सेम रिस्पॉन्स आता है तो समझ जाओ इट्स नॉट जेन्यून. बिकॉज अगर वो ब्रांड एक नॉर्मल आईडी को भी बोल रहा है यस वी वुड लव टू कोलैबोरेट विद यू, सेम कॉपी पेस्टेड मैसेज है, तो इट्स अ स्कैम. सिंपल easy peasy way to identify whether a brand is genuine or not and then you can take things forward that way. Simple. And सच को ना फ्रॉम माई सिक्स सेंस व्हाट आई फील, सेम ही मैसेज आएगा. जो आपको आया है वो सेम मैसेज वो हर एक को भेजते हैं, हर किसी के लिए टाइप नहीं करते वो लोग मैसेज, सबको सेम देते हैं एंड यही आएगा. मैंने अब तक ट्राई नहीं किया बट दिस इज व्हाट आई फील, यही मैसेज आएगा. एंड यू नो व्हाई वो लोग फेक आईडी से आपको मैसेज करते हैं कि डीएम सो एंड सो ब्रांड फॉर कोलैबोरेशन? बिकॉज ना इंस्टाग्राम पे ना ये लिमिट है कि इतने मैसेज के बाद आप मैसेज नहीं कर सकते किसी को रैंडमली, किसी नए पर्सन को. सो आप कुछ 15-20 मैसेज आई थिंक भेज सकते हो किसी नए को एंड वो लोग को बहुत सारे लोग को भेजना होता है, फंसाना होता है. That is the reason why they just use a fake ID and then they ask you to text that brand. Simple logic ही होता है. पहले क्या था, पहले ऐसा कुछ strict नहीं था Instagram, but अब ना सब कुछ बहुत ही ज़्यादा strict हो गया है. Instagram सब कुछ monitor करने लगा है. So अगर आप अपनी ID से 15-20 नए लोग को message भेज रहे हो ना, तो आपको फिर message करने की permission नहीं मिलती है, cross आता है, message send नहीं होता है. इसलिए ये लोग ये वाली technique try करते हैं. Understand? Now comes the last and the most important part कि अगर किसी ब्रांड को एक्चुअल में आपके साथ कोलैबोरेट करना होगा तो वो कैसे करेंगे. सो ईदर द ब्रांड विल डायरेक्टली कॉन्टैक्ट यू और एनी PR एजेंसी विल कनेक्ट विथ यू और एनी मैनेजर और इवन द ओनर ऑफ दैट ब्रांड. इफ इट्स अ स्मॉल ब्रांड तो वो ब्रांड का ओनर ही खुद आपको टेक्स्ट करेगा एंड बोलेगा दैट येस वी वुड लव टू कोलैबोरेट विथ यू, या फिर आपको मेल करेगा या DM करेगा जो भी. बट ऐसे कोई फेक आईडी से कभी भी कोई जेन्युइन ब्रांड आपको टेक्स्ट नहीं करेगा, नेवर. जेन्युइन ब्रांड को फेक आईडी की जरूरत नहीं है. वो लोग या तो मेल करते हैं या फिर कोई PR रखते हैं या फिर कोई मैनेजर रखते हैं, ऐसे काम नहीं करते हैं, नेवर. सो डोंट एवर फॉल फॉर दीज काइंड ऑफ ट्रैप इन योर लाइफ. So guys, that was it for the video. If you guys found this video helpful, please do share this video with everyone whomsoever you know. I won't even say like, share, subscribe kar do, wo to aapke upar hai. But iske alawa yahan pe is moment pe awareness create karna zyada important hai. Ye please kar do, ye bahut hi important hai filhal ke liye, so that we save people from falling for these kind of traps by these kind of international people ya fir fraud people, jo bhi aapko kehna hai aap keh sakte ho. Inke scam se bachna zyada zaruri hai. So please share karo and yeah, that was it for the video. Agar aapko achha laga hai, aap like kar sakte ho and I'll see you in the next one. And in case you guys have any query related to brand collaborations, feel free to just comment down below. I'll try to address all the queries just the way I did in my previous fake brand collaboration wala video. So don't worry. And if you guys want me to make any video on any kind of topic like this, comment it down below. I would love to do that for you guys. And that's it for the day. I'll see you guys in the next one. Till that, take care of yourself. Keep smiling and I love you. Bye-bye.